नमस्कार, आज अपन बात करेंगे आईपीएल के राइजिंग स्टार रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह एक सामान्य परिवार से आते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं। गरीब परिवार से आने के बावजूद आईपीएल में ये धूम मचाते हैं और आज चारों तरफ इनकी ही चर्चा हो रही है। इनके जीवन के बारे में कुछ बातें अपन को पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आज जिस मुकाम पर ये पहुंचे हैं ना, अपने संघर्ष के बूते पर पहुंचे हैं, अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं। इनके संघर्ष की कहानी आपको जानना जरूरी है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए आज इस पोजीशन पर पहुंचते हैं, और यही स्टोरी रिंकू सिंह की है कि इन्होंने मेहनत करते हुए और संघर्षों की जिंदगी जीते हुए आज इस जगह पर पहुंचे हैं। रिंकू सिंह की क्या स्टोरी है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं रिंकू सिंह, लेकिन सबसे बड़े एक बात नोट करने वाली बात है कि अलीगढ़ के ये पहले खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं। अलीगढ़ के बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर हैं, वो रणजी खेल चुके हैं, लेकिन आईपीएल में अभी तक कोई नहीं खेला है। आईपीएल खेलने वाले अलीगढ़ से रिंकू सिंह पहले खिलाड़ी हैं। पांच भाई बहन थे ये, तीसरे नंबर पर ये आते थे। दो कमरे में इनका परिवार रहता था। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। दो कमरे में रहते थे। इनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी करते थे। अब देखिए इनका जो जीवन यापन कैसे चलता था। इनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी करते थे, वो भी साइकिल से घर घर पर। और इनके एक भाई ऑटो चलाते थे। इनके परिवार पर कर्ज भी था, इतनी आमदनी नहीं थी कि इनका गुजारा चल सके। इनका दूसरा भाई एक कोचिंग सेंटर में काम करता था। रिंकू सिंह ने बहुत ही मेहनत की, लेकिन ये पढ़ाई नहीं कर पाए। ये नाइन्थ फेल थे। जब नाइन्थ फेल हो गए और ये के साथ में क्रिकेट खेलते थे, इनके पिताजी इनको खूब मारते थे। इनके पिताजी इनको कहते थे कि तू न तो पढ़ाई कर रहा है और न कुछ कर रहा है, तू जीवन में क्या बनेगा। वो कहते हैं क्या क्रिकेट खेलने से तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा जो तेरी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन ये अपने जोश और जुनून को इन्होंने बनाएगा। फिर भी इनके पिताजी ने एक बार जबरदस्ती इनको नौकरी के लिए भेजा। और नौकरी कैसी थी आप बिलीव कर सकते हो? इनके भाई ने, जो दूसरा भाई कोचिंग सेंटर पर काम करता था, उसने उस कोचिंग सेंटर पर झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी लगाई रिंकू सिंह की। देखिए आप किस्मत क्या क्या करवाती है। रिंकू सिंह की नौकरी लगाई कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने। थोड़े दिन रिंकू सिंह ने जॉब की भी सही, लेकिन वो अपने जोश जुनून और अपने सपने के लिए जीना चाहते थे। उन्होंने अपने पापा से कहा कि मैं सब कुछ कर लूंगा पापा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय और दे क्रिकेट के लिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अपना कॉन्फिडेंस अपने पापा को बताया। और जब 2012 में दिल्ली में मैच हुए, वहां पर रिंकू सिंह को एक बाइक मिली। जब रिंकू सिंह ने वह बाइक जीती वहां पे, तो उनके फादर को बिलीव हुआ कि माय सन कैन डू समथिंग इन क्रिकेट, मेरा बेटा क्रिकेट में कुछ न कुछ कर सकता है। फिर उनको बिलीव हो गया कि यह क्रिकेट में कुछ न कुछ करेगा। और पता है वो बाइक मिली थी रिंकू सिंह को, फिर वो बाइक कौन यूज करते थे? उनके फादर यूज करते थे। फिर उन्होंने साइकिल रख दी। फिर उनके पिता सिलेंडर पहुंचाते थे बाइक से घर घर पर। पहले साइकिल से सिलेंडर पहुंचाते थे घर घर पर, फिर जो रिंकू सिंह को बाइक मिली थी ना प्राइज में, तो फिर उनके पिताजी बाइक लेकर गैस सिलेंडर डिलीवरी करते थे। इनकी किस्मत कहां से चमकी देखिए। 2017 में पंजाब ने इनको 10 लाख में खरीदा। इनकी किस्मत वहां से चमकी जब पंजाब की टीम ने इनको 10 लाख में खरीदा। लेकिन वहां पर भी इनको अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला। एक भी मैच नहीं खेले थे आईपीएल में। फिर केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने इनको 80 लाख रुपए में खरीदा। देखिए आप,
ये कहते हैं शुरुआती 10 लाख रुपए और बाकी और भी इनको कुछ पैसे मिले थे प्राइज में, वो सारे इनको कर्ज चुकाने में चले गए थे परिवार के। उसके बाद में KKR ने इनको 80 लाख रुपए में खरीदा और उसके बाद से यह KKR में ही जुड़े हुए हैं और आज चारों तरफ रिंकू सिंह की चर्चा है। रिंकू सिंह के जीने से आप एक बात सीख सकते हो, संघर्ष चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो लेकिन आपकी मेहनत से वह संघर्ष छोटा ही है। आप अगर मेहनत करोगे ना तो संघर्ष को भी पार कर लोगे और अपनी मेहनत से सब कुछ पा लोगे। इसलिए जीवन में हजार कठिनाइयां आए, हजार मुश्किलें आए, लेकिन अपने सपने को कभी मत भूलना। अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर लेना, खुद भगवान भी आपको उस सपने से मिलाने लग जाएंगे।